कलमा और महमल पढ़ा था। कलमा वो अल्फाज होते हैं जिसके अपनी मायने होती है, जबकि महमल वो अल्फाज है जिनकी कोई मायने नहीं होती। आज हम लोग कलमे के 6 अकसाम करेंगे, जिनमें इसम, फेल, हर्फ, सिफत, मुतलिक फेल और ज़मीर, इन 6 के हम तारुफ करेंगे और इन सब की डेफिनेशंस यानी तारुफ आपने अपनी उर्दू ग्रामर कॉपी पे लिखनी है। सबसे पहले आता है इसम। इसम वो कलमा है जो किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। मसलन, उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है, तो यहाँ पे उस्ताद एक शख्स हो सकता है, एक शख्स है, और शागिर्द भी एक शख्स है। तो इस जुमले के अंदर उस्ताद और शागिर्द दोनों इसम हैं। इसी तरीके से हमीद के हाथ से परिंदा उड़ गया। हमीद एक शख्स का नाम है, हाथ एक जिस्म का अज्ज़ा है यानी कि चीज़ का नाम है, परिंदा एक जानवर का नाम है। तो हमीद, हाथ और परिंदा इस जुमले के अंदर इसम है। इसी तरीके से जाकिर हिंदुस्तान का बादशाह है। जाकिर इंसान का नाम हो गया, हिंदुस्तान जगह का नाम हो गया, और बादशाह भी एक शख्स की है। तो ये मिसाल यानी कि हमें इसम का गिवन है यहाँ पे, दैट इसम जो है वो किसी भी शख्स, जगह, जानवर और चीज़ का नाम होता है। सेकंड कलमा का जो किस्म है वो है फेल। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, यानी कि जो काम का मैं बताया कि कौन सा काम हो रहा है। फेल के 2 अकसाम हैं। फेल नाकिस वो फेल है जिससे सिर्फ किसी शख्स की हालत का पता चले, उसका कोई काम जाहिर ना हो, यानी कि कोई शख्स बीमार है, खुश है, गमगीन है, तो ये आपके हालत का पता चल रहा है, तो उस फेल को हम लोग फेल नाकस कहते हैं। और फेल ताम वो फेल है जिससे किसी इसम के काम करने का पता लगे, यानी वो काम बता रहा हो, यानी कि लाइक सपोज शाम स्कूल गया था, तो वो गया जो हो गया वो आपका इसम फेल हो गया। हम रात को सोते हैं, तो सोते आपका फेल हो गया, यानी कि फेल के फेल बेसिकली काम का होना या करना को कहते हैं। फेल के 2 अकसाम हैं। फेल नाकिस जिसमें हालत का पता चले, यानी कि वो बीमार है, खुश है, गमगीन है, गुस्से में है, तो ये आपकी उसकी हालत का पता चले। और फेल ताम जिसमें काम का पता चले, यानी कि वो सो रहा है, खा रहा है, चल रहा है, वो सब काम फेल ताम में आता है। हर्फ आपका तीसरा किस्म है। हर्फ वो कलमा है जो जुमले में दूसरे कलमात को बाहम मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, यानी कि वो 2 लफ्ज़ों को मिलाता है ताकि उनकी सेंस बन सके, उनका मतलब निकल सके। जैसे कि खुदा ने ज़मीनों, खुदा भी एक इसम हो गया, ज़मीनों भी एक इसम हो गया, अब उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमने ने डाला है, तो ये एक हर्फ हो गया। और आसमानों, और भी अगेन ये ज़मीनों 2 इसम को जोड़ रहा है, तो ये और जो है आपका हर्फ हो गया। को पैदा किया, अब आसमान इसम है, पैदा फेल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए को लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो को जो है हर्फ हो गया। यानी हर्फ वो कलमा है जो जुमले में दूसरे कलमात को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिफत, सिफत वो कलमा है जिससे जाहिर हो कि कोई चीज़ या शख्स किस तरह का है, यानी कि उसकी खूबी, खामी या उसकी जो मिकदार है यानी नंबर है वो शो कर रहा हो, ठीक है। यानी कि अकलमंद आदमी, तो यहाँ पे अकलमंद जो है वो आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी खूबी है कि वो अकलमंद है, तो यानी अकलमंद आपका सिफत हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहें कि मुझे हरा रंग पसंद है, तो हरा लफ्ज़ क्योंकि वो रंग को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि उसकी खूबी क्या है, तो वो हरा जो है आपका जो लफ्ज़ है हरा, वो सिफत हो गया। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि मुझे जो है 12 अंडे दो, तो 12 क्योंकि वो अंडे को डिस्क्राइब कर रहा है, वो अदद दिखा रहा है, मिकदार दिखा रहा है, तो वो भी सिफत हो गया। तो सिफत जो है किसी भी चीज़ को जाहिर करता है कि वो किस टाइप का है, क्या उसकी खूबी है, क्या खामी है, और उसके अदद यानी कि उसके नंबर को शो कर रहा होता है। मुतल्लिक फेल, मुतल्लिक फेल वो कलमा है जो फेल या काम करने से मुतल्लिक कुछ बताए, ठीक है। लेट्स सपोज अशरफ अचानक रास्ता भूल गया, तो अचानक से क्या हो रहा है कि वो जो है काम जो हो रहा है भूलने का काम, वो अचानक से हुआ, तो जो फेल को डिस्क्राइब करेंगे, फेल के साथ क्या काम हो रहा है, फेल के मुतल्लिक कोई चीज़ बताए, तो वो आपका मुतल्लिक फेल हो गया। इसी तरीके से अच्छा लड़का खूब काम करता है, तो काम करना को डिस्क्राइब करने के लिए खूब लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है, तो खूब यहाँ पर मुतल्लिक फेल है। आखिरी किस्म है ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मसलन, शाम ने अली को देखा कि वो धूप में बैठा है,
अब यहाँ पे वो के अली की जगह पे वो को लिखा गया है, इसके बजाय कि अली को दोबारा लिखा जाए, तो यहाँ पे वो जो है ज़मीर हो गया। इसी तरीके से शाम आगे बढ़ा और उससे कहा कि मैं आ गया हूँ, उस यहाँ पे जो है शाम की जगह पे इस्तेमाल किया गया है, तो उस आपका ज़मीर हो गया। तो इन छह कलमात की हमने डेफिनेशन तारुफ हम लोगों ने देख ली है। इसको जो है अपने कॉपी में लिख लें, समझ लें और याद कर लें। और इसके अलावा हर किस्म के यानी जो छह अक्साम आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब के अपने अपने पांच जुमले बनाएं और हर पांच जुमलों के अंदर आप अंडरलाइन करके उसको बताएं कि ये इसम है, फेल है, हर्फ है, सिफत है, मुतलिक फेल है या फिर वो ज़मीर है। शुक्रिया।